ये रिपोर्ट है मिस्टर अविनाश जी का, 34 इयर्स के हैं और जब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखेंगे, किडनी लेफ्ट साइडेड माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस विथ डायलेटेड यूरेटर अप टू 5.8 mm साइज कैलकुलस इन द लेफ्ट लोअर यूरेटर, कॉन्क्रिएशन ऑफ 2-3 mm इन द लेफ्ट अपर कैलिक्स एंड राइट मिड कैलिक्स। मतलब जो यूरेटर है उसमें 5.8 mm का लोअर पार्ट में कैलकुलस शो कर रहा है और दोनों किडनी के अंदर कॉन्क्रिएशन मतलब छोटे छोटे पत्थरी शो कर रही है। और इनका ट्रीटमेंट, ये रिपोर्ट है 23 मई 2024 का और इस समय इनका ट्रीटमेंट ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर में शुरू हुआ, जहाँ पे अगर किडनी स्टोन की साइज 10 mm से छोटी है, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, इस तरह के किडनी स्टोन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और अगर इस लेवल पे आपको या आपके रिलेटिव को किडनी स्टोन शो कर रहा है तो आपको सर्जरी या ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। बिना ऑपरेशन के ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर में इस तरह के केसेस का 100% इलाज मिलता है। आइए इनके रिपोर्ट को हम लोग फॉलो अप में देखते हैं। 14-8-2024, 2-3 महीने के बाद का ही ये रिपोर्ट है। पेशेंट नेम मिस्टर अविनाश, और जब आप किडनी देखेंगे अपीयर नॉर्मल इन साइड शेप पोजीशन, नो फोकल मास, नथिंग इज देयर। सो इंप्रेशन देखेंगे तो यूएसजी फाइंडिंग ऑफ लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, पैनक्रियास, बोथ किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, एवरीथिंग इज नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो विद इन 2-3 मंथ किडनी स्टोन, जहाँ पे 5.8 mm का लोअर यूरेटर में स्टोन था, प्लस दोनों किडनियों में छार दिख रहा था, जो स्मॉल साइज के किडनी स्टोन थे, वो दोनों ही चीज़ें कम्प्लीटली क्लियर हो गई मात्र होम्योपैथिक मेडिसिन से। तो इस लेवल के अगर स्टोन का केस है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, इस लेवल के केसेस को होम्योपैथी से बहुत अच्छे से क्योर किया जा सकता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जहाँ पे इस तरह की किडनी स्टोन बार बार होने की टेंडेंसी भी होती है, जिन केसेस में बार बार स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है और उसके वजह से वो कई बार ऑपरेट करा चुके हैं, इन ग्रुप के लोगों में भी ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर्स की मेडिसिन से नंबर 1 जो स्टोन है उसे क्लियर किया जा सकता है और नंबर 2 जो बार बार होने की टेंडेंसी हो गई उस टेंडेंसी को भी ब्रेक किया जा सकता है। और इन द एंड आपका दोनों ही किडनी और उसमें स्टोन कोई प्रॉब्लम रहेगा नहीं, किडनी एकदम हेल्दी रहेगी, नॉर्मल वे में फंक्शन करने लगेगी। तो यदि आपको इस तरह की कोई भी कंडीशन है, स्टोन से रिलेटेड रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी है, दोनों ही चीज़ों को क्योर किया जा सकता है। थैंक यू।